नमस्कार दोस्तों, द स्लॉगर्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राहुल शर्मा। आज हम बात करेंगे राजस्थान में चल रही सियासी घमासान की। जी हाँ, सियासी घमासान आज से ही नहीं या कुछ दिन पहले से ही नहीं, वो जब से ही चल रहा है तब से सरकार बनी है राजस्थान में। परंतु हम सिर्फ यही देख रहे थे कि सब ठीक चल रहा है, परंतु सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच कुछ ना कुछ मतभेद चल ही रहे थे। उनके बयान अलग अलग थे, उनकी सोच अलग अलग थी। आज उसी पर बात करेंगे। बात शुरू कहां से हुई थी, बात ख़त्म कहां हुई, और इसी कुछ दिनों के बीच उनके बीच क्या क्या हुआ, किन पदों से उन्हें बर्खास्त किया गया, इन सब पर ही बात करेंगे। दोस्तों, सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। जी हाँ, वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा को बनाया गया। उनके पोस्टर हटा दिए गए हैं और नए पोस्टर लगा दिए गए हैं राजस्थान ऑफिस के बाहर। जी हाँ, गोविंद डोटासरा के पोस्टर लगा दिए गए हैं राजस्थान कांग्रेस कार्यालय के बाहर। वहीं सचिन पायलट के सहयोगी विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीना को भी हटाया गया, यानी सभी चुनौतियों से दूर सचिन पायलट को कर दिया गया है। सचिन पायलट की सुने तो उनका कहना है वे अभी कांग्रेस में ही हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, वो अभी कांग्रेस में ही हैं और वो बीजेपी में जाएंगे भी नहीं, यह भी सचिन पायलट का कहना है। परंतु सूत्रों की माने तो ऐसा भी सुनने में आ रहा था वो पिछले काफी दिनों से बीजेपी के संपर्क में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी बात कर रहे थे। परंतु सचिन पायलट का कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया से मैंने पिछले 6 महीनों से बात नहीं की। आगे बात करते हैं, अगर वो बीजेपी में जाते हैं दोस्तों या अपनी कोई क्षेत्रीय पार्टी बनाते हैं तो दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द भी हो सकती है। जी हाँ, विधानसभा सदस्यता उनकी रद्द हो सकती है। वहीं बीजेपी सरकार की बात करें तो उनका कहना है राजस्थान सरकार अल्पमत सरकार है और उन्हें अपना बहुमत साबित करना चाहिए। जी हाँ, तभी उन्हें सरकार बनानी चाहिए दोबारा से। अगर उनका बहुमत सिद्ध नहीं होता है तो उन्हें सरकार नहीं बनानी चाहिए। इसी बीच पूरे घमासान के बीच कल एक वीडियो आया। किसका आया? बीटीपी विधायक राजकुमार राउत का। जी हाँ, आपने देखा हो, उसमें वो कहते हैं हमें जबरदस्ती रखा जा रहा है। जी हाँ, बीटीपी के 2 विधायक कांग्रेस के खेमे में चले जाते हैं और वह वीडियो बनाकर कहते हैं कि हमें जबरदस्ती रखा जा रहा है, बंधक बनाकर चारों तरफ हमारे पुलिस प्रशासन की गाड़ी लगी हुई है। अब बीजेपी को तो मौका मिल गया, बीजेपी ने तंज कसते हुए कह दिया ट्विटर पर, और लोकतंत्र हत्या, पुलिस के बल पर बहुमत लेना, ऐसी बातें अब ट्विटर पर चल रही हैं। किसकी साइड से? बीजेपी सरकार की साइड से। जब से वह वीडियो आया, वायरल हुआ, तब से बीटीपी के एक नेता है राजकुमार राउत, उनके वीडियो उसमें वो कह रहे हैं हमें बंधक बनाया गया है। जी हाँ, तो अब बीजेपी की बात करें, बीजेपी नेता वैसे तो कुछ नहीं कह रहे, परंतु इस वीडियो के बाद उन्होंने ट्विटर पर घमासान मचा दिया। अभी तक जो राजस्थान में हुआ उठक पटक चल रही है, इसके लिए वसुंधरा राजे का कोई भी अभी तक बयान नहीं है। अभी क्या चल रहा है राजस्थान में, क्या नहीं चल रहा है, वसुंधरा राजे का कोई कैसा भी ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट, कैसा भी कुछ भी नहीं है। परंतु बीजेपी के कुछ बड़े नेता जरूर ट्विटर पर ट्वीट कर करके ये सब बातें बोल रहे हैं। वहीं इतना घमासान मचा, सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की गई, परंतु कोई सक्रिय निष्कर्ष नहीं निकला। वहीं सचिन पायलट को मनाने रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, अविनाश पांडे जैसे दिग्गज नेता मनाने पहुंचे, परंतु उनका रवैया वैसा ही था। वहीं सूत्रों की माने तो पी चिदम्बरम, प्रियंका गांधी ने भी सचिन पायलट से फोन पर बात की। अब इतना सब कुछ हो गया दोस्तों, फोन पर प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम जैसे बड़े नेताओं ने भी बात की, परंतु यह बड़े नेता हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान पहले कहां सो रही थी? जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में इतना सब कुछ चल रहा है, मध्य प्रदेश में सरकार ही बदल गई, तब भी कोई हाईकमान से ज्यादा बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई थी। इससे यही लगता है कि अशोक गहलोत राजस्थान में सब कुछ संभाल लेंगे, राहुल गांधी या सोनिया गांधी का कोई अभी कैसे अभी इस सारे मामले पर प्रतिक्रिया नहीं देखी जा रही है। पता नहीं वो लोग कहाँ सो रहे हैं। अब राजस्थान में सियासी जादूगर कौन? अशोक गहलोत ने सब कुछ संभाल भी लिया। शायद पूरे हाईकमान, जो बड़े हाईकमान वहां बैठे हैं, उन्होंने यह सोच रखा है या तो कि अशोक गहलोत सब कुछ संभाल लेंगे, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल रहे। तो सियासी जादूगर, जी हाँ दोस्तों, राजनीति के सियासी जादूगर राजस्थान के अशोक गहलोत ने सब कुछ संभाल भी लिया। अब कुछ बात और भी कर लेते हैं, आंकड़ों की बात करें।
109 विधायकों के साथ अपना उन्होंने समर्थन साबित कर दिया। किसने? कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। 109 विधायक उनके साथ हैं या नहीं ये शायद किसी को पता है, आंकड़े ऊपर नीचे, आंकड़े थोड़े समझे तो कांग्रेस के पास 88 विधायक, निर्दलीय 10, बीटीपी 2, आरएलडी 1, ये कांग्रेस के साथ हैं। दोस्तों बहुमत आंकड़ा चाहिए कितना, 101, इतना अशोक गहलोत ने 101 का आंकड़ा अपना पूरा कर लिया है। अब वहीं सचिन पायलट की बात करें तो उनका कहना है कि उनके खेमे में 30 विधायक हैं, परंतु यह कितना वाजिब कितना सही है शायद ही किसी को पता है, क्योंकि सचिन पायलट ने अभी तक ऐसा कुछ भी पुख्ता सबूत या पुख्ता दावा नहीं किया कि उनके पास 30 विधायक हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो आगे आते और दावे से बोलते कि मेरे पास भी 30 विधायक है और जरूर फिर तो अशोक गहलोत की नींद उड़ जाती, परंतु ऐसा कुछ है या नहीं दोस्तों किसी को नहीं पता। वहीं विधायक विश्वेंद्र सिंह, जी हाँ सचिन पायलट के विधायक विश्वेंद्र सिंह का एक वीडियो आता है, उसमें अगर आंकड़े नापे जाएं तो 19 विधायक दोस्तों दिख रहे हैं। अब कुछ और आंकड़े की हम बात करें तो राजस्थान में टोटल विधानसभा सीट कितनी है दोस्तों, 200, बहुमत आंकड़ा 101, कांग्रेस के पास बहुमत है। वहीं बीएसपी के 7 विधायक कांग्रेस को समर्थन देते हैं, 107 उनके पास पहुंच जाते हैं। बताया यह भी जा रहा है दोस्तों जब वो बैठक हुई थी सर्वदलीय बैठक सीएम आवास पर तो वहां 10-15 विधायक नहीं थे, परंतु सियासी जादूगर ने बोला कि हमारे 109 विधायक आए, परंतु अब क्या पता क्या नहीं पता, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है वहां 10-15 विधायक नहीं थे। वहीं बीटीपी के 2 विधायक उनके पास हैं, जी हाँ, जिसमें से एक विधायक ने बंधक बनाए रखने का वीडियो भी बनाया। वहीं आपको बता दें कुछ निर्दलीय भी कांग्रेस में ही शामिल हुए। यह हो गया कांग्रेस का आंकड़ा। बीजेपी की बात करें टोटल सीट 72, जी हाँ 72 सीट बीजेपी की राजस्थान में। 3 विधायक सहयोगी हनुमान बेनीवाल की पार्टी से शामिल हुए, जी हाँ, अब इन्हें 101 करने के लिए 26 विधायक और चाहिए। अब इसी की उम्मीद में सचिन पायलट से भी बात करी जा रही थी, ऐसा सुनने में आ रहा था कि सचिन पायलट अगर उनके साथ मिल जाते हैं, कितने विधायकों के साथ, 30 विधायकों के साथ, तो शायद बीजेपी फिर तो वहां तख्ता पलट देती मध्य प्रदेश की तरह, परंतु एमपी में आंकड़े बहुत कम थे। जी हाँ थोड़ा सा ही फर्क था, यहाँ पर फर्क बहुत ज्यादा है। जी हाँ वहीं दोस्तों वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो जिस हिसाब से अशोक गहलोत सरकार ने अपना बहुमत अपना समर्थन अपने विधायक दिखाए हैं और बताए हैं कि हमारे पास 109 विधायक हैं, तो उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में सेफ है। वहीं अगर 30 विधायक सचिन पायलट के पास हैं तो ठीक, वरना उनके आंकड़े बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। दोस्तों यह होगी आंकड़ों की बात। वहीं हम आपको बता दें इस सब के बाद जब रणदीप सुरजेवाला अजय माकन जैसे दिग्गज नेताओं ने उनसे सचिन पायलट से बात करने की कोशिश की, उन्हें बुलाया भी गया, सर्वदलीय बैठक हुई थी उन्हें बुलाया गया, परंतु वह नहीं पहुंचे। जी हाँ दोस्तों उन्होंने बात की परंतु वह नहीं पहुंचे। वहीं अशोक गहलोत ने अपना समर्थन साबित करके सीधे राज्यपाल के पास पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि मेरे खेमे में 109 विधायक हैं, मेरी जो सरकार है वह बिल्कुल सेफ है, निश्चिंत है, किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है। अब इतना सब कुछ हो रहा था, क्या ये एक दिन की कहानी थी? जी नहीं दोस्तों, यह कहानी थी बहुत पुरानी, यह कहानी आज की नहीं दोस्तों, यह कहानी बहुत दिनों से चल रही थी। जी हाँ वहीं इतना सब कुछ होने के बाद मैं आपको बता दूं सचिन पायलट के जो सहयोगी हैं उन्होंने बोला है कि वो सीधा हाई कमान से बात करेंगे। अब हाई कमान उनसे कितना बात करता है ये तो शायद ही किसी को पता है, क्योंकि हाई कमान की तो पता ही नहीं वो कहाँ सो रहा है। उनका कहना है कि हमारे खिलाफ FIR होती है, जी हाँ प्रस्ताव पास होते हैं, खिलाफ उनके बयान दिए जाते हैं, अब वो चुप नहीं बैठेंगे। जी हाँ वो कह रहे हैं हम सीधा हाई कमान से बात करेंगे। अब सचिन पायलट नाराज क्यों हुए? दरअसल दोस्तों यह सब शुरू हुआ था सर्दियों के मौसम से। जी हाँ सर्दियों के मौसम में सचिन पायलट गर्म हो गए। जी 14 दिसंबर 2018 के तकरीबन उनकी सरकार बनी, सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत की, इसमें कोई शक भी नहीं है दोस्तों। जी हाँ राजस्थान सरकार बनाने में सचिन पायलट ने खूब मेहनत की, परंतु उन्हें दावेदारी थी उनकी मुख्यमंत्री की और उन्हें बनाया गया क्या, उप मुख्यमंत्री।
क्योंकि वहां मंजे हुए नेता थे। कौन थे? अशोक गहलोत। दो बार पहले भी वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जादूगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट को बनाया गया उप मुख्यमंत्री और अशोक गहलोत बने मुख्यमंत्री। सरकार बनने के बाद दोनों एक साथ आते तो थे, परंतु इनके मतभेद अंदर ही अंदर चल रहे थे। दोस्तों, पायलट को तमाम मंत्रालय दिए गए, परंतु उनकी मर्जी वहां नहीं चल रही थी। सचिन पायलट बताते हैं, बिना मर्जी के, बिना अशोक गहलोत की मर्जी के वो साइन भी क्या करते, क्योंकि सब कुछ पीछे से उनकी इजाजत के बिना कुछ नहीं होता था दोस्तों। इसलिए सचिन पायलट सरकार को आए दिन आपने देखा होगा घेरते रहते थे। आपको याद हो, राज्यसभा चुनाव के दौरान भी सचिन पायलट के बयान अलग थे और अशोक गहलोत के बयान अलग थे। अशोक गहलोत का कहना था कि बीजेपी हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, परंतु सचिन पायलट का कहना था कि सर्वदलीय बैठक या सब एक साथ बैठ के घर में बात नहीं कर सकते, एक जगह बात नहीं कर सकते, इसीलिए होटल में उन्हें ठहराया गया। तो कुछ अलग मामले वहां चल रहे थे। अब मामला कुछ बिगड़ जाता है ऐसे एसओजी के नोटिस के बाद, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। जी हाँ, अशोक गहलोत ने शिकायत की एसओजी में और इसी के बाद पूरा मामला बिगड़ गया। नोटिस सचिन पायलट को भी पहुंचता है। सचिन पायलट को लगा कि मेरी सरकार की पुलिस के द्वारा मुझे दबाया जा रहा है। दोस्तों, यह भी बताया जाता है कि बीजेपी के कुछ नेता या बीजेपी के संपर्क में थे सचिन पायलट। वहीं एसओजी जब छानबीन करती है तो दोस्तों उसमें बताया जाता है कि सचिन पायलट की महत्वाकांक्षाएं अलग थी। जी हाँ, वहीं कुछ रिकॉर्डिंग्स भी वायरल हुई, रिकॉर्डिंग भी मिली, बीजेपी विधायकों के भी नाम है इस सब पूरे मामले में। सचिन पायलट कहते हैं, एसओजी की तरफ से जो नोटिस गया उसमें हमारे ऊपर साजिश और राजद्रोह जैसे तमाम धाराएं लगाई गई। इसी के बाद सचिन पायलट के बोल बिगड़ गए। तो दोस्तों, अगर यह मामला पूरा सही है, अगर इस तरह से सचिन पायलट की बातें सही हैं, तो उनका फिर नाराज होना भी वाजिब है, उनका सरकार के खिलाफ भी खड़ा होना भी ठीक था, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे पूरी मेहनत की थी। दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है कि सचिन पायलट ने राजस्थान सरकार बनाने में खूब मेहनत की। अब इतनी पाबंदी थी तो सचिन पायलट सही भी थे कहीं ना कहीं अपनी जगह, क्योंकि उन्होंने पार्टी बनाने में जी तोड़ मेहनत भी की, परंतु फिर भी उन्होंने सब्र किया उप मुख्यमंत्री के पद से। वहीं आज भी हम आपको बता दें दोस्तों, आज भी बैठक होनी थी, आज सचिन पायलट भी अपनी बात रखनी थी, परंतु वह रद्द कर दी गई। वहीं सचिन पायलट को राजस्थान विधानसभा स्पीकर ने सचिन पायलट से जानना चाहा वह किस पार्टी में है। जी हाँ, ये आज की बात है दोस्तों, उन्होंने जानना चाहा वह कांग्रेस में है या बीजेपी में है। अपना मत जरूर बताएं, अपनी राय, अपना उनका क्या विचार है वो जरूर बताएं। इसी बीच उन्होंने अभी कुछ बात हुई है नहीं हुई, हम आपको आगे जैसे ही कुछ इस मामले में अपडेट आती है जरूर साझा करेंगे। राजस्थान के गर्म रेत में कौन झेलता है इस गर्मी को? जी हाँ दोस्तों, हम आपको जरूर बताएंगे, परंतु अभी तक तो यही सब था। जैसे ही कुछ आगे आता है दोस्तों, हम आपको जरूर साझा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।